तो यदि कोई प्रोडक्ट मेरा पब्लिश हो जाता है, पब्लिश्ड हो जाता है, तो चाहे वो क्लोन हो, पेयरिंग हो या न्यू प्रोडक्ट हो, तो वो कहां पे आएगा? मुझे पब्लिश्ड में दिखेगा। कहां दिखेगा? पब्लिश्ड में। जब हम कभी प्रोडक्ट को डालते हैं और वो पब्लिश्ड नहीं होता, वो वेरिफिकेशन के लिए जाता है, चाहे वो जेम के पास। यहाँ पे वेरिफिकेशन किसके पास जा सकता है? दो के पास, या तो जेम के पास या ओईएम के पास। यदि कोई प्रोडक्ट का ओईएम अप्रूवल चाहिए, ऑथराइजेशन नंबर उसको वेरीफाई करना है, ओईएम को, ओईएम ने रेस्ट्रिक्शन करके रखा है, तो वो ओईएम के पास जाता है। और यदि ओईएम ने वैसा कोई अप्रूवल नहीं रखा है, तो वो जेम के पास जाता है। तो यहाँ पे वो जब तब मुझे प्रोडक्ट कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा, वेटिंग फॉर एडमिन क्लियरेंस में। और यहाँ पे दो पार्ट आता है, एक ओईएम क्लियरेंस का और एक एडमिन क्लियरेंस का। जैसे कि हम लोगों ने दोनों नया प्रोडक्ट डाला और दोनों के बारे में आपको बताया। ये ओईएम के पास जाएगा वेरीफाई करने के लिए, मतलब नीलकमल ब्रांड जो ओईएम लिया हुआ है उनके पास जाएगा। यदि वो वेरीफाई कर देता है तो ये प्रोडक्ट मेरा पब्लिश हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट जेम के पास जाएगा, ये सिर्फ जेम वेरीफाई करेगा। तो यहाँ पे आपको पता चल जाता है। अभी ये वाला प्रोडक्ट, ये रिजेक्ट यदि हो जाता है, यदि पब्लिश हो गया तो यहाँ आएगा, ये भी प्रोडक्ट पब्लिश हो गया तो यहीं पर आएगा। पर ये प्रोडक्ट यदि कोई रीजन के वजह से जेम ने, ये प्रोडक्ट जेम के पास जाएगा, और जेम ने कोई आपको इशू किया जो ये प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम है, तो ये आपको वो जो नोटिफाइड में, ये आपको नोटिफाइड प्रोडक्ट में दिखेगा यहाँ पे, और आपको उसका रीजन बताएगा जो ये प्रोडक्ट क्यों पब्लिश नहीं हुआ। तो आप इसको दोबारा भी पब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला है मेरा, इसका एमआरपी का प्रॉब्लम है, तो आप इसको एडिट में जाइए, या तो आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं अभी, और या अदरवाइज आप इसको डिलीट करके उसका रिप्लाई भी कर सकते हैं एडिट में क्लिक करके। अभी इसका प्रॉब्लम था ऑफरिंग एमआरपी में, तो एमआरपी का जो डॉक्यूमेंट है वो गलत बता रहा है, तो आप इसका एक ब्राउचर आपको प्रॉपर अपलोड करना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर इसमें से कोई दूसरा डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर बना के डालना पड़ेगा। डाल के आप इसको वेरीफाई करने के लिए भेज सकते हो। जैसे कि ये प्रोडक्ट है मेरा पास, क्या प्रोडक्ट है? लेन 4 मीटर। तो यहाँ पे हम उसको फिर से अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करके सेम इसको सेव एंड प्रोसीड कर देंगे और वेरीफाई के लिए भेज देंगे, तो फिर से जेम के पास ये वेरीफाई के पास चला जाएगा, और फिर यदि जेम को लगा कि सब प्रॉपर है तो ये आपका पब्लिश हो जाएगा। सेकंड है कि आपका प्रोडक्ट यदि ये एडमिन, जो हम लोगों ने देखा ये तो एडमिन क्लियरेंस के लिए देखा, यदि ये प्रोडक्ट ओईएम ने कोई वजह से आपको रीजन से रिजेक्ट करता है, या फिर ओईएम कोई आपको क्वेरी देता है, तो प्रोडक्ट आपको जाएगा यहाँ पे इन्वेंट्री नोटिफाइड, यहाँ ओईएम के वजह से। तो जो भी प्रोडक्ट ओईएम के लिए जाता है वो इन्वेंट्री में चला जाएगा। देखो यहाँ पर भी ओईएम का जो प्रोडक्ट है सब इन्वेंट्री में जाएगा, यहाँ से आपको उसका रीजन पता चलेगा, तो आपको ये इन्वेंट्री में दिखता है। तो प्रोडक्ट हम लोगों ने देखा कि एडमिन क्लियरेंस से रहा है, यदि पब्लिश हो गया तो पब्लिश में दिखेगा, पब्लिश नहीं हुआ यदि एडमिन क्लियरेंस के लिए है तो नोटिफाइड में जाएगा, और ओईएम अप्रूवल के लिए पेंडिंग है तो नोटिफाइड इन्वेंट्री में जाएगा। अभी कोई भी प्रोडक्ट, पब्लिश प्रोडक्ट में यदि मैं इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहता हूँ, या प्रोडक्ट के रेट बदलना चाहता हूँ आफ्टर पब्लिश्ड, तो मैं बदल सकता हूँ। जैसे कि कल हम लोगों ने ये प्रोडक्ट पब्लिश किया था, अब ये प्रोडक्ट में मुझे कुछ चेंजेस करने, जैसे रेट बदलना है, लोकेशन बदलना है, तो मैं बदल सकता हूँ, ये एक्शन में जाएंगे। स्टॉक बदलना है, मिनिमम क्वांटिटी बदलना है, तो मैं बदल सकता हूँ। इसके जनरल इंफॉर्मेशन वगैरह में कोई चीज बदल नहीं सकते, जो भी बदल सकता हूँ मैं ऑफर क्वांटिटी एंड प्राइस में ही बदल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे बदल सकता हूँ। ऑथराइजेशन नंबर वगैरह बदल सकता हूँ, जो भी चेंजेस चाहिए इसमें सब चीज चेंजेस कर सकता हूँ। मेक इन इंडिया का प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकता हूँ, मुझे प्राइस बदलना, अभी 1294 है, मुझे इसका रेट बढ़ाना है, बढ़ा भी सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, 1300 रुपये डाल, 1300 रुपये मैं यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ, 1350 कर, तो रेट बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते, मैंने बढ़ा दिया। अभी मुझे यहाँ पे लोकेशन में बदलना है, मुझे अब कर्नाटका में नहीं बेचना है, मुझे सिर्फ पुणे में बेचना है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे डिस्ट्रिक्ट में, मैं पूरे महाराष्ट्र में नहीं, सिर्फ ओनली फॉर पुणे में बेच रहा हूँ, ठीक है। स्टॉक भी बदलना है मुझे, अभी स्टॉक मुझे ये मिनिमम जो है मुझे ये 50 क्वांटिटी बेचना, मिनिमम 50 स्टॉक, कितना है मेरे पास? स्टॉक मेरे पास अभी हो गया है, तो मैं स्टॉक भी बदल सकता, स्टॉक मेरे पास 60 ही पड़ा। यदि आपको इस प्रोडक्ट को बेचना ही नहीं आगे से, ये प्रोडक्ट आप कभी कभी भी नहीं बेचना चाहते, कभी भी, मैं बोल रहा हूँ कभी भी, यदि एक बार इसको आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, चलो डिसकंटिन्यू को आगे देखते हैं, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, यदि आपने इसमें जो चेंजेस कर सकते, इसको करेंगे हम लोग
अपडेट स्टॉक, ये मेरा स्टॉक प्राइस सब अपडेट होगा। ठीक है, ये मेरे पास तो अपडेट हो गया, पर ये बायर के पास अपडेट कल होगा। अभी इसमें यदि मुझे ये प्रोडक्ट मुझे बेचना ही नहीं, कभी भी नहीं बेचना है, या बोलते हैं जिसको आप बोलते हैं डिलीट करना है, तो आप इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देंगे। पर याद रखो, एक बार यदि आपने इस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया, इस प्रोडक्ट को एक बार आपने यहां से डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इन फ्यूचर इस प्रोडक्ट को, यही वाला प्रोडक्ट आप कभी नहीं बेच पाओगे, सेम ब्रांड का सेम स्पेसिफिकेशन का। अभी रही बात, आप लोग बोलेंगे सर तो मैं जो डिसकंटिन्यू के वजह से दूसरा क्या तरीका है मुझे प्रोडक्ट बेचना नहीं है, तो आप क्या करो, ये जो प्रोडक्ट का प्राइस है इसका स्टॉक जो है उसको जीरो कर दो, मिनिमम क्वांटिटी जो भी है, और अभी इसको अपडेट करो। स्टॉक अपडेट, ये मेरे पास स्टॉक जीरो हो गया। अभी मुझे इसका ऑर्डर कभी नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉक मेरे पास कोई भी प्रोडक्ट का इसका स्टॉक एक भी नहीं। तो कभी भी यदि आपको लगता है ये प्रोडक्ट इन फ्यूचर कभी भी बेचना है, तो आप इसका स्टॉक जीरो करो, पर डिसकंटिन्यू मत करो। डिसकंटिन्यू करेंगे तो ये प्रोडक्ट इन फ्यूचर आप कभी नहीं बेच, यदि आप कोई प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करते हैं तो वो यहां दिखता है। तो मैंने इतने सारे प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया, अभी मैं यही ब्रांड का सेम स्पेसिफिकेशन का वही ब्रांड का प्रोडक्ट कभी नहीं बेच पाऊ। ओके, यदि आप कोई प्रोडक्ट बीच में छोड़ देते हो, काम करते हो, क्लोन करते हो, पेयरिंग करते हो, या नया प्रोडक्ट डालते हो, बीच में ही छोड़ देते हो, तो आपको यहाँ पे आपको दिखता है ड्राफ्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे जहां तक आपने काम किया था वहां तक ये सेव रहता है, और बाद में आप उसके आगे का काम कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने प्लेन कॉपियर का हम लोग काम कर रहे थे और बीच में छोड़ दिया, तो हम यहाँ पे एक्सेल में जाके उसको चेक कर सकते हैं और वहीं से आगे काम हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते। तो ये आपको ड्राफ्ट में दिखता है। तो ये सभी था कैटलॉग में, प्रोडक्ट में, सर्च माय ऑफरिंग। और भी कुछ चीजें हैं जैसे कि ब्रांड का है वगैरह है, वो हम लोग जैसे ब्रांड का चैप्टर पढ़ाएंगे तो मैं वो सबको टॉपिक समझाता हूँ आगे। हाँ गौरव सर बताइए। सर अगर जो हमने अपडेट किया है ये दोबारा एडमिन के पास तो नहीं जाता पब्लिश होने से पहले अप्रूवल के लिए? किस पर्पस के लिए, कहाँ, किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? सर अभी अपने जो भी कोई प्रोडक्ट हमने करा हुआ है, पब्लिश करा हुआ है जो भी प्रोडक्ट है, अगर दोबारा हमने उसमें स्टॉक अपडेट किया है? नहीं, नहीं, वो डायरेक्ट अपडेट हो जाता है। ओके सिंह सर। सर जो प्रोडक्ट हमने डिस्कंटिन्यू किया है तो वो कैटेगरी का दोबारा वो कैटेगरी का कर पाओगे, सेम ब्रांड का सेम स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट आप नहीं कर पाओगे। ओके सर, राइट, थैंक यू। शुभम सर। अच्छा सर, ड्राफ्ट में जाके अगर हम डिलीट कर दे तो फिर कोई दिक्कत है? कुछ नहीं, ड्राफ्ट में जाओ, आपको आपको ये प्रोडक्ट आगे काम ही नहीं करना है, मुझे इसको आगे काम ही नहीं करना है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो ये मेरा आप मुझे आगे ड्राफ्ट में नहीं दिखेगा, ये डिलीट हो जाएगा। मतलब डिलीट होने के बाद मैं आगे स्पेसिफिकेशन के साथ मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगा ना? नहीं नहीं, काम कर पाएंगे, यहां से ड्राफ्ट से डिलीट कर सकते हैं ना हम। ड्राफ्ट मतलब हमने अधूरा काम करके छोड़ दिया था, इसलिए ड्राफ्ट में से हुआ था, काम को पूरा नहीं किया। अच्छा। तो हम बीच से कभी भी मुझे लग रहा है इसकी अभी जरूरत ही नहीं है तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ, नहीं भी करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता, कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और किसी को कोई डाउट्स इसके रिगार्डिंग? तो हम लोगों ने अभी कैटलॉग का जो ये सर्च इंजन है, कैटलॉग के ये डिटेल्स है, इसको समझा, कैटलॉग मैनेजमेंट का प्रोडक्ट चीजें।